स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme U1 का, बड़ा ही पावरफुल फ़ोन है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है इसके स्पेसिफिकेशन। तो करते हैं इसकी सील ब्रेक। ये जो मॉडल है ये है 3GB और 32GB का, ब्रेव ब्लू कलर का। ये हो गया इसका, ये है इसका बॉक्स और बड़ा ही यूनिक बॉक्स है। और बॉक्स के ऊपर इसके लिखे हैं कुछ स्पेसिफिकेशन जिसको हम देखते हैं। कैमरा जो दे रखा है वो 13+2MP का रियर कैमरा और 25MP का फ्रंट कैमरा। स्क्रीन साइज़ है वो 6.3 इंच की है और वाटर ड्रॉप डिस्प्ले दिया गया है। बैटरी 3500 mAh की है और MRP जो लिखी गई है वो है 12,999, लेकिन ये 11,999 में अपने को मिल जाता है। तो करते हैं इसको ओपन और बूट के बाद में देखते हैं क्या है इसके अंदर स्पेशल। ओके, ये है सबसे पहले कुछ पेपर वर्क और रियर बैक केस। तो केस ठीक है, नॉर्मल केस है। और ये है पेपर वर्क और क्विक गाइड, इनको रखते हैं एक बार साइड में। ये है अपनी मेन यूनिट और मेन यूनिट को रखते हैं एक बार थोड़ा सा साइड में। और ये है इसका चार्जर आपको मैं वोल्टेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है आउटपुट 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का, तो ठीक ठाक है, वही ओप्पो का चार्जर है, सेम जैसे ओप्पो वाला आता है वही है। ये इसकी डाटा केबल, USB 2 micro USB की केबल है, तो टाइप सी होती तो और अच्छा होता। ये हो गया इसका सारा सिस्टम। उतारते हैं इसका रैप और इसको उतारा और करते हैं एक बार फ़ोन को बूट। सबसे पहले बैटरी है, स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले उतारते हैं इसका पीछे का स्टिकर। और ये जो कलर है काफ़ी ही वाइब्रेंट कलर है, ब्रेव ब्लू इसका नाम है। और ड्यूल कैमरा सेटअप हम यहाँ देख सकते हैं LED फ्लैश के साथ। और पीछे की तरफ है अपने को फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर फ़ोन की हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हमें मिलता है पावर लॉक अनलॉक बटन। और फ़ोन हो गया है बूट, तो करते हैं इसको कंटिन्यू, स्किप करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, एक्सेप्ट। अगर फ़ोन की हम बात करते हैं नीचे की तरफ की, तो नीचे की तरफ हमें लेफ्ट साइड में मिल जाता है स्पीकर ग्रिल, बीच में मिल जाता है USB के लिए चार्जिंग स्लॉट, और ये है माइक्रोफोन। और राइट साइड में मिलता है हमें 3.5mm का जैक। लेफ्ट साइड की हम अगर बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर बटन्स और सिम ट्रे। हम अभी देखेंगे कि सिम ट्रे में हाइब्रिड है या नहीं है। और फ़ोन के ऊपर की तरफ देखें तो हमें ऊपर की तरफ कुछ नहीं मिलता है। तो ये हो गया है पूरा फ़ोन बूट। और ये है इसका सिम इजेक्टर टूल, तो देखते हैं इसमें हाइब्रिड स्लॉट है या नहीं है। तो जी बिल्कुल, इसमें हाइब्रिड स्लॉट बिल्कुल नहीं है, इसमें माइक्रो SD के लिए डेडिकेटेड स्लॉट है। 2 सिम हम यहाँ लगा सकते हैं, दोनों में 4G इनेबल है, दोनों सिम है वो जियो की लगा सकते हैं। तो ये है हमारा फ़ोन हो चुका है बूट। और डिस्प्ले काफ़ी वाइब्रेंट है और अच्छी लग रही है, फ़ोन है काफ़ी बड़ा। तो सबसे पहले जाते हैं इसकी सेटिंग में और चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या हमें मिलता है। अबाउट फ़ोन, ये नाम आ गया रियलमी U1, एंड्रॉयड वर्जन 8.1 है, रैम 3GB है और जो स्टोरेज है वो अवेलेबल हमारे अपने पास 19.6GB है। और सिक्योरिटी पैच लेवल है वो अक्टूबर का है, शायद अपडेट आ गई होगी दिसंबर का, अपडेट सिक्योरिटी पैच का आ जाना चाहिए इसके अंदर। अब करते हैं बात इसके फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक। तो सबसे पहले करते हैं इसका फिंगरप्रिंट अनरोल करते हैं और पासवर्ड चूज़ करते हैं हम 123456 यूज 123456 नाउ। ये फिंगरप्रिंट हमने इसका ओके ये हो गई है फिंगरप्रिंट इनरोल। ओके नाउ हम करते हैं फेस इनरोल 1 2 3 4 5 6 ओके इनरोल फेस कंटिन्यू। क्विक ये हो चुका है फेस भी इनरोल। और अब सबसे पहले इसका यही टेस्टिंग करते हैं हम। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट का करते हैं, ये टच किया ये ओपन, ये टच किया तुरंत एकदम क्विक, मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं है। अब करते हैं इसका फेस अनलॉक टेस्ट। अगर फेस अनलॉक टेस्ट करते हैं तो मैं अभी इसकी तरफ देख रहा हूँ और ये स्वाइप टू ओपन। ओके एक बार ये स्वाइप वाला सिस्टम चेंज करके देखते हैं। फेस 1 2 3 4 5 6
एंड डेडिकेट डायरेक्टली। ओके अब देखते हैं, ये मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, देखते ये क्विक हो गया। अब जैसे एकदम सामने है मेरा फेस तो बिल्कुल लॉक स्क्रीन नहीं आती है, मतलब एकदम क्विक है, एकदम एकदम से क्विक है। ओके तो अब करते हैं इसका छोटा सा एक कैमरा टेस्ट कि कैमरा इसका कैसा है। ओके और ये अपने पास इसका एक बॉक्स जिसकी हम फोटो लेने की कोशिश करेंगे। ओके ये आई हमारे पास फोटो और बिल्कुल कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब करते हैं इसका एक सेल्फी टेस्ट, सेल्फी में कैसा है। जो 25 MP का इसका सेल्फी कैमरा है। ओके बिल्कुल आप डिटेल्स देख सकते हैं ध्यान से। तो ये है इसका पूरा हिसाब किताब। जो प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है वो है हीलियो P70, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 660 और 636 से भी बेटर प्रोसेसर है। तो प्रोसेसिंग के मामले में ये फ़ोन कमाल का है। और बाकी इसमें जो ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं वो सारी हमें मिल जाती हैं। तो यही था इस फ़ोन का पूरा हिसाब किताब। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना कमेंट्स में। थैंक यू।